नमस्कार, टीवी 10 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खास खबर। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी व्यापारिक एसोसिएशन में मनाया गया। महानगर अध्यक्ष विवेक मनोजा व महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला व व्यापार मंडल के पारिवारिक बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के कार्यक्रम की श्रृंखला में कई व्यापारिक एसोसिएशन व बाजारों में सभी पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्र की शान तिरंगे को फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर व्यापार मंडल भवन में उपस्थित महानगर के अध्यक्ष श्री विवेक मनोजा जी, महामंत्री श्री सुरेंद्र मोहन सिंह जी चावला और मेरे वरिष्ठ व्यापारी नेतागण, आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सरकार ने आज के दिन को बड़े उत्सव के रूप में दिया है और इसको नाम दिया है अमृत महोत्सव। 75 साल हो गए हमें आजाद हुए। हम उन शहीदों को जिन्होंने आजादी में अपने प्राण दे दिए उनको नमन करते हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपनी जवानी दे दी इस आजाद भारत को कराने में, हम उनको भी नमन करते हैं। जिन लोगों ने किसी भी रूप में अपना बलिदान अपनी आहुति दी, हम उन सभी को नमन करते हैं। विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। मैं सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मुकुंद मिश्रा जी की ओर से, सभी सहारनपुर वासियों को, सभी व्यापारी समाज को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से आज के दिवस को केवल उन शहीदों को याद करने का दिवस नहीं है, आज उन सभी की से प्रेरणा लेने का दिवस है। एक संकल्प दिवस के रूप में मैं हमेशा कहता हूं कि राष्ट्रीय पर्वों को केवल एक परंपरा निभाने के उद्देश्य से नहीं, एक संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि जिस उद्देश्य से उन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है, जिस सोच को लेकर के उन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपना सर्वोच्च निशावर करने का काम किया है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब हम इसे एक संकल्प रूप दिवस के रूप में मनाने का काम करें। हर वर्ष एक ऐसा संकल्प लें जो राष्ट्र के हित में हो, हर वर्ष एक ऐसा संकल्प लें जो समाज के हित में हो, हर वर्ष एक ऐसा संकल्प लें कि हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों से हटकर हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है। अगर हम ये संकल्प लेकर अपने आप को उस पथ पर चलाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल को भी प्राप्त करेंगे और उन शहीदों को सच्चे रूप में श्रद्धांजलि देने का भी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।